हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे चैनल AS कंस्ट्रक्शन एंड टेक पर। हाउस प्लान क्या है आज का? स्मॉल हाउस प्लान है। डायमेंशन की हम बात करते हैं 14 फीट बाई 60 फीट। स्क्वायर फीट में अगर बात करेंगे तो 840 स्क्वायर फीट। गज में बात करेंगे तो 94 गज। रिक्वायरमेंट क्या है? 2 BHK है विथ पार्किंग है। फेस डायरेक्शन क्या है? ईस्ट फेसिंग है। व्हाट्सअप, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको हमसे नक्शा बनवाना हो अपने घर का तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है AS कंस्ट्रक्शन एंड टेक्स है। किसी भी तरह की प्लान में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें फॉलो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको इसमें कि एक मंजिल बनाने में कितने पैसे खर्च होंगे, नंबर्स ऑफ कॉलम क्या होंगे, कॉलम साइज़ क्या होंगे। तो ये हमारा प्लान है 14 बाई 60 का, यानी ये 14 है, ये 60 है। इसके नाम ने क्या क्या दे रखा है? लिविंग एरिया है, गैलरी दी है हमने, लॉबी दी है हमने, एक बेडरूम, दो बेडरूम है इसके अंदर, एक ये बेडरूम हुआ, एक ये बेडरूम हुआ, किचन दिया है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम है हमारा, इस एक रूम, एक रूम में अटैच बाथरूम टॉयलेट है दिया हमने। अब हम बात करते हैं यहाँ से एंट्रेंस करते हैं। ये हमारा वेटिंग एरिया है जिसकी डायमेंशन है 6 फीट बाई 5 फीट 4 इंच की। यहाँ से स्टेयर्स दिया हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए, ये से हमारे यहाँ से स्टेयर्स हैं, हम फर्स्ट फ्लोर के लिए। यहाँ से एंटर करते हैं हम लिविंग एरिया में, आते हैं हम लिविंग एरिया की बात करते हैं। यहाँ लिविंग एरिया की डायमेंशन है 11 फीट बाई 13 फीट 4 इंच की है। यहाँ हमने सोफ़ा वोफा लगा रख सकते हैं। ये हमने यहाँ हमने एक 4 फीट वाइड हमने एक वेंटिलेशन दी है। आगे आगे चलते हैं हम बेडरूम की तरफ। तो ये हमने यहाँ से हमने एक गैलरी दी है जिसकी वाइड है 13 फिट 3 फिट 6 इंच की हमने एक गैलरी दी है वाइड। यहाँ से हम रूम में इंटर करते हैं। बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम की डायमेंशन है 12 फिट बाई 9 फिट 6 इंच कि यहाँ एक टीवी लगा सकते हैं, ये हमारा बेड लग सकता है। यहाँ हमने एक विंडो दी है जिसकी डायमेंशन है 4 फिट वाइड। ये हमने एक विंडो दी है, इसकी डायमेंशन है 4 फिट वाइड। अब आगे चलते हैं हम लॉबी की तरफ आते हैं। तो ये हमारी लॉबी है, लॉबी की डायमेंशन क्या है? 13 फीट 8 इंच बाई 5 फीट। ये हमारी लॉबी है जिसकी डायमेंशन क्या है? 13 फीट 8 इंच बाई 5 फीट। यहाँ से हमने एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है जिसकी डायमेंशन 6 फीट बाई 5 फीट है। यहाँ से हमने क्यों दिया है? यहाँ OTS है, OTS यहाँ हमने रूम से अटैच एक OTS भी दिया है, OTS जिसकी डायमेंशन 6 फीट बाई 2 फीट 8 इंच है। यहाँ हमने OTS दिया, यहाँ हमने 2 फीट की वेंटिलेशन दी है वाइड, अगर जो भी इसकी स्मेल होगी इसके थ्रू पास आउट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं किचन की। किचन की तरफ हम आते हैं। किचन है, ये हमारा किचन है 60 फीट 4 इंच बाई 8 फीट का हमारा ये किचन है। इसमें हमने वेंटिलेशन दी है, ये वाली जो हमने वेंटिलेशन दे रखी है इसकी जो डायमेंशन है 2 फीट वाइड है। आगे चलते हैं हम बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा बेडरूम है जिसकी डायमेंशन क्या है? 11 फिट बाई 13 फिट 4 इंच की हमने यहाँ एक ये इसकी डायमेंशन, इसमें हमने एक टीवी यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ हमारा बेड हो जाएगा। इससे अटैच हमने एक OTS दिया है जिसकी डायमेंशन 4 फिट बाई 7 फिट है, और इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ हमने 2 मीटर वाइड दो फिट वाइड हमने एक वेंटिलेशन दिया है, इसकी सारी इसमें जो भी इसके थ्रू पास आउट हो जाएंगे। तो ये था हमारा 14 बाई 60 का प्लान। अब मैं आपको बताऊंगा इसका एक मंजिल बनाने में कितने खर्चे आएंगे, नंबर्स ऑफ कॉलम क्या होंगे, कॉलम साइज़ क्या होंगे। तो आउटर वाल इसकी 4 इंच की होंगी, इनर वाल जो होंगी 4 इंच की होंगी। नंबर्स ऑफ कॉलम क्या होंगे? 12 कॉलम्स होंगे। कॉलम साइज़ क्या होंगे? 9 इंच बाई 12 इंच होंगे। टोटल हाउस कॉस्ट क्या होंगे? इसके जो टोटल हाउस कॉस्ट क्या होंगे? 11 लाख लगेंगे, मतलब टोटल पैसे जो खर्च होंगे 11 लाख होंगे। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप अपने घर का नक्शा हमसे बनवाना सकते हैं बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी हमारी AS कंस्ट्रक्शन एंड टेक्स है। अगर आप प्लान में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इसे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।